आज बना रही हूँ मैं कढ़ी। ये मैंने गैस चालू कर दी। ये है मट्ठा, इसमें डाला बेसन, ये मट्ठा है, इसमें मैंने बेसन डाल लिया है। अब इसको घोलूंगी। इसमें डाली हल्दी, इसमें डाले नमक, नमक आप अपने हिसाब से डालना। अब इसमें घोल दूंगी। ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है और डालूंगी इसमें तेल। थोड़ा सा डालूंगी। डालूंगी इसमें मेथी, ये डालूंगी एक इलायची, इससे अच्छी खुशबू आती है। ये डालूंगी दालचीनी का टुकड़ा एक, ये मैंने गरम पत्ते के टुकड़े करके रखे हुए हैं, ये डाल देती हूँ इसमें। अच्छे से भून लूंगी। अब डालूंगी इसमें जो मैंने मट्ठे में ये बेसन वगैरह सब घोल के रखे हुए थे मट्ठे के अंदर, ये मैंने चढ़ा दिए। चलाते रहना है इसे, मट्ठा इसका फट जाता है। इसमें डालूंगी और पानी, थोड़ी गाढ़ी हो रखी है। लहसुन काट कर रखूंगी, चौक के साथ में तैयार हो जाएगा। इधर मेरी कढ़ी पक रही है, दूसरी तरफ बनाती हूँ मैं पकौड़ी कढ़ी के लिए, क्योंकि पकौड़ी डालकर अच्छी लगती है। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, इसमें डाला है मैंने तेल। इसमें बनाऊंगी पकौड़ी, फिर उसके अंदर डालूंगी। थोड़ा पतला रखती हूँ ताकि खुशखुशी सी हो जाती है, टाइट रहती है वो फिर नहीं बन पाती।
ये हो गए पकौड़े तैयार, अच्छे से पक गए। अब मैं इसमें लगाऊंगी कड़ी में छौंक, दोबारा से तड़का लगाऊंगी जब कड़ी का अच्छा स्वाद आता है। ये कड़ी भी पक चुकी है, अच्छे से पक गई है। इसमें से तेल कम कर लेती हूँ। और इसका मैंने तेल निकाल लिया है। इसमें डालूंगी लहसुन जो मैंने पहले से ही काट के रख लिया था, यह है लहसुन। इसी के साथ डालूंगी लाल मिर्च जो मैंने तोड़ के रखी हुई है। यह डालूंगी मैं कड़ी पत्ता, इसे मीठा नीम भी बोलते हैं। इतने में मसाला तैयार कर लेती हूँ। यह है कड़ी पत्ता, कस्तूरी मेथी, सॉरी कस्तूरी मेथी है ये, वो कड़ी पत्ता मैंने उसमें डाल दिया है। इसी में डालूंगी धनिया, धनिया पाउडर। इसी में डालूंगी लाल मिर्च। डालूंगी गरम मसाला, ये गरम मसाला है, अगर मेरे ये भून गया है। इसमें डालूंगी प्याज, लहसुन को ब्राउन सा कर लेना है, उसके बाद में प्याज डालनी है। कढ़ी रखी है पकी हुई, इसमें डालूंगी पकौड़ी जो मैंने बेसन को बना कर रखी है। प्याज मेरी भुन चुकी है, मसाला तैयार हो गया। अब डालूंगी जो मैंने मसाले रखे थे, इसे मिला के इसी के अंदर हल्का सा भूनूंगी। भुन गई है, ये कर दिया मैंने गैस बंद। ये मसाले में कढ़ी में डालूंगी, देख सकते हैं आप कैसा लग रही है कढ़ी आपको। ये डाल देती हूँ, दो मिनट के लिए ढकना है बस। अब मैं इसको देखती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के रख दिया था, पांच मिनट के लिए। कढ़ी तैयार हो चुकी है, देखो ये कढ़ी तैयार हो गई है। आप भी ऐसी बनाना और बना के खा के बताना, और कमेंट जरूर देना, शेयर भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। बाय।